हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर 25,000। तो गाइस, अगर आपको 25,000 के प्राइस सेगमेंट में सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करना है, जहां पर आपको टॉप क्लास के स्पेक्स दिए गए हों, जैसे कि कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870 पावरफुल प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल OIS कैमरा विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 144 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ ही साथ प्रीमियम डिजाइन, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ से आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि एक्चुअली किस फोन को आपको कंसीडर करना चाहिए, जो आपकी हर एक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस, यार आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कह लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं, जो कि आता है मेरी लिस्ट में रियलमी की तरफ से, रियलमी GT Neo 3T 5G। अगर आपको ये इस प्राइस पॉइंट पर मिल जाता है ना, तो ये सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। ये 8GB प्लस 128GB से आता है। इसमें ऑफर किया गया है 6.62 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद इनसाइड पंच होल, 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन दिया गया है ग्लॉसी फिनिश के साथ, और यहां पर आपको स्क्वायर शेप में टेक्सचर की डिजाइन भी मिल जाती है। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरा से 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नो डाउट कैमरा क्वालिटी जबरदस्त मिलती है। तो इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870, जो कि 5G है, 6nm पर बेस्ड है, काफ़ी स्टेबल है, गेमिंग आपको तगड़ी कराएगा, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपका बेस्ट होगा। इस फोन में एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि रियलमी UI 3.0 पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक और 12 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। दोस्तों, ये स्मार्टफोन 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फिलहाल इसकी प्राइस है 27,999, बट आप इस फोन को एक्सिस बैंक या ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से ओनली 24,749 में डेफिनेटली बाय कर पाओगे। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटरोला की तरफ से, मोटो S35G। ये वर्ल्ड का सबसे लाइटवेट और स्लिम स्मार्टफोन है, दिखने में भी काफी खूबसूरत लगता है। ये 8GB प्लस 128GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.5 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, जो कि सेंटर पंच होल के साथ आता है, 144 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग टॉप क्लास की मिलती है। डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग आपका कमाल का होगा। दोस्तों, रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन दिया गया है मैट फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, साथ में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाती है। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी जबरदस्त दी गई है। इसमें परफॉर्मेंस मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस, जो कि 778G के कंपेयर स्लाइटली थोड़ा सा बेटर है, गेमिंग आपको बेटर कराता है। इसमें एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि प्योर स्टॉक एंड्रॉयड पर बेस्ड है। साथ ही साथ 13 5G बैंड्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। इस फोन में 4020mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP52 की रेटिंग, 12 स्टीरियो स्पीकर्स और LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी मिल जाता है, बट सडनली 3.5mm का जैक नहीं मिलता है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फिलहाल इसकी प्राइस है 26,999, बट एक्सिस बैंक या ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप इस फोन को सिर्फ 24,999 25,000 रुपए में डेफिनेटली बाय कर पाओगे।
दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको एप 4 5G। ये एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, फीचर्स आपको टॉप नॉच मिलते हैं। ये 6GB प्लस 128GB के साथ आता है। इसमें दिया गया है 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, HDR10 प्लस का सपोर्ट और ये 10 bit का डिस्प्ले पैनल है। फीचर्स आपको फ्लेक्सिबल लेवल के मिलते हैं, नो डाउट डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट है। दोस्तों रियर साइड में ग्लास मिलता है विद मैट फिनिश। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, प्राइमरी लेंस 64 megapixel का दिया गया है वो भी OIS के साथ, बाकी 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 20 megapixel की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाती है। इसके रियर कैमरा से 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी जबरदस्त दी गई है। इसमें परफॉर्मेंस मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870 जो कि 5G के साथ आता है, 7nm पर बेस्ड है, काफी स्टेबल है, गेमिंग आपको तगड़ी कराता है। इस फोन में एंड्रॉइड 12 दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। इसमें 10 5G बैंड्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, आईआर ब्लास्टर, IP53 की रेटिंग और LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, बट सडनली 3.5mm का जैक नहीं मिलता है। दोस्तों ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फिलहाल इसकी प्राइस है 23499, बट आप इसको एक्सिस बैंक या ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 21999 22,000 रुपये में डेफिनेटली बाय कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi K50i 5G। ये एक प्योर गेमिंग स्मार्टफोन है। मुझे लगता है Redmi ने इसको स्पेशली गेमिंग यूजर्स को टारगेट करते हुए लॉन्च किया था। इससे आप फ्लेक्सिब ग्रेड की गेमिंग कर सकते हो। दोस्तों ये 6GB प्लस 128GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल, ये 144Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, HDR 10 प्लस का सपोर्ट और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। दोस्तों रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, प्राइमरी लेंस 64 megapixel का दिया गया है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 16 megapixel की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाएगी। इसके रियर कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी दी गई है। इसमें परफॉर्मेंस मिलता है MediaTek Dimensity 8100 12 5G चिपसेट जो कि 5nm पर बेस्ड है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है, गेमिंग आप फ्लेक्सिबल लेवल की कर सकते हो। इससे आप 90fps स्मूथ पर गेमिंग कर पाओगे। 8 लाख के करीबन अंतुतु स्कोर निकाल के देता है, नो डाउट गेमिंग एक्सपीरियंस आपका जबरदस्त होगा। इस फोन में एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको 5080mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। बाकी इसमें 3.5mm का जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। दोस्तों यह स्मार्टफोन 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फिलहाल इसकी प्राइस है 24999, बट आप इस फोन को SBI के क्रेडिट कार्ड से ओनली 19999 सिर्फ 20,000 रुपये में डेफिनेटली बाय कर पाओगे। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है iQOO की तरफ से, iQOO Neo 6 5G। ये दोस्तों एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट फीचर्स टॉप क्लास के मिलते हैं। ये दोस्तों 8GB प्लस 128GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.62 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी टॉप क्लास की मिलती है। दोस्तों रियर साइड में ग्लास दिया गया है विद मैट फिनिश। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं, प्राइमरी लेंस 64 megapixel का दिया गया है सैमसंग GW1 लेंस के साथ और OIS का सपोर्ट भी मिलता है। बाकी 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट साइड में 16 megapixel की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाएगी। इसके रियर कैमरा से 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी जबरदस्त मिलती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870। इससे भी आप 90fps पर गेमिंग
कर सकते हो। बाकी इसमें एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फन टच ओएस 12 पर बेस्ड है। इस फोन में 4700 एमएच की बैटरी मिल जाएगी जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 12 स्टीरियो स्पीकर्स और IP52 की रेटिंग मिल जाती है। इसमें भी सडनली 3.5mm का जैक नहीं मिलता है। ये दोस्तों 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फिलहाल इसकी प्राइस है 27,999, बट आप SBI के क्रेडिट कार्ड से ओनली 25,999 26,000 रुपये में डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो गाइस ये थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 25,000। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।